वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक सुविचार है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसी सुविचार से शुरुआत करेंगे आज के इस करेंट अफेयर की क्लास। सुबह के बज चुके हैं 5 और आज है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी की करेंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए। और आप सभी भी अटेंड कीजिएगा इस पूरी क्लास को और टोटल टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं आप सभी के लिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़िंदगी जो शेष है वही विशेष है, तो कुछ अच्छा कर गुजरिए, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी हमारे चैनल पे जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल पे दिन भर बने रहने के लिए, क्योंकि हम पर डे आपके लिए नई नई जो जॉब से रिगार्डिंग न्यूज़ होती हैं वही लेकर आते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और सुबह करेंट अफेयर की क्लास जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लेकर चलेंगे उन सभी प्रश्नों पर जो कि आज के करेंट अफेयर से रिलेटेड है। तो दोस्तों 5 फरवरी की इस क्लास में पहला प्रश्न है, ये देखिए आपके सामने, आप भी आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आंसर करिएगा ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, और आंसर करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि आपने आपके फैमिली मेम्बर तक जा सके ये वीडियो, आपके दोस्तों तक जा सके ये वीडियो, और उनको भी ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है उनको याद हो सके और जान सके वो भी सारी चीज़ें। चलिए तो पहला प्रश्न है कि हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बिन अलोकेटेड फॉर द वुमेन्स प्रोटेक्शन एंड द एम्पावरमेंट मिशन इन 2019-20। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बजट से आ चुका है और देखिए लगातार अभी 2 तारीख को जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके बाद लगातार मतलब 2, 3, 4 और आज 5 तारीख है, तो वहाँ आपने देखा है कि कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड प्रश्न हैं ही, तो आपके एग्ज़ाम में भी बजट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बेफिक्र होकर सारे प्रश्न देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, करेंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर सारे बजट से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे आपको। तो आंसर है यहाँ पर दोस्तों, इट्स अ बी 1330 करोड़ रुपीज़। ओके, बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ का यहाँ पे आवंटन किया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बता देना चाहते हैं इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन है इसके लिए 1330 करोड़ रुपए तो आवंटित किए गए हैं, उसके अलावा साथ ही उज्ज्वला योजना, नोट कर लीजिएगा उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ रुपए निःशुल्क LPG गैस का कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा गया है। उज्ज्वला योजना किसके लिए है, तो रसोई के लिए है, तो रसोई किस में कौन रहती हैं, तो महिलाएं रहती हैं, तो महिलाएं तो उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1330 करोड़ तो सरकार ने आवंटन किया ही है, प्लस में 8 करोड़ निःशुल्क LPG कनेक्शन देने का भी लक्ष्य दिया है उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और पूरा देखिए क्वेश्चन आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न नहीं रहते हुए भी यहाँ पे आपके सामने हम लेकर आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है, विच प्लेयर रीच द नंबर 1 इन द वुमेन्स ODI बैटिंग रैंकिंग रिलीज बाई ICC। जी हाँ, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, यहाँ महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी खिलाड़ी हैं जो नंबर 1 रैंक पर पहुँच चुकी हैं ICC के अंतर्गत। चलिए तो अगर आंसर पता है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके आंसर जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे आपका आंसर कमेंट करना ताकि मैं भी जान सकूँ कि कौन है वो छात्र जो पढ़ाई रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं वीडियोज़ को। चलिए आंसर है दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ बी स्मृति मंधाना, नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने के द्वारा जारी किया गया था महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग को लेकर, वहाँ भारतीय की स्मृति, जो भारतीय खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, वो नंबर 1 रैंक पर पहुँच चुकी हैं, जबकि वहीं ऑस्ट्रेलिया की, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी दूसरे और मेग लैंसिस तीसरे नंबर पर हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और जो मेगलेंसिस है ये तीसरे नंबर पे हैं, और पहले नंबर पे कौन है, तो स्मृति मंधाना। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि निम्न में से किसे दिल्ली में डेफिनेशन केबल टेलीविज़न सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है NDMC, एयरटेल, नीति आयोग
यानी कि पॉलिसी कमेटी, या फिर डी वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ ये दोनों कंपनी मर्ज हो चुकी है, ठीक है। पर यहाँ पे आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, जिसे हम लोग NDMC कहते हैं, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दिल्ली में डेफिनेशन केबल टेलीविजन सर्विस शुरू करने की घोषणा कर दी है। और टेली कंपनी, देखो इसको नोट कर लीजिएगा, टेलीकॉम कंपनी वंट इंटरटेनमेंट, है ना, वंट इंटरटेनमेंट और MTNL के साथ मिलकर NDMC ने यह सर्विस शुरू की है। तो देखिए इसमें MTNL का भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि MTNL ही हमारा जो है महानगर टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाला जो है, ठीक है, जो कि BSNL हर जगह रहता है, पर जहाँ पे हम बात करें मेट्रोज की तो वहाँ MTNL होता है। तो MTNL का जो कनेक्शन है वो पूरे के पूरे दिल्ली में बिछा हुआ है, पूरे के पूरे मुंबई में बिछा हुआ है, पूरे के पूरे कोलकाता में है और पूरे का पूरा चेन्नई में है। तो इसका जो कनेक्शन है इससे के साथ साझा करके NDMC ने ये डेफिनेशन केबल टेलीविज़न सर्विस शुरू करने की यहाँ पे घोषणा की है। तो आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, ए NDMC, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय होम इन द ईयर 2018, देयर हैज़ बिन डिक्रीजेज ऑफ अबाउट 5% इन स्मार्टफोन सेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसके द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट एक, कि वर्ष 2018 में स्मार्टफोन की बिक्री में करीब 5% की कमी आई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि लॉस है स्मार्टफोन को लेकर, और क्यों आई है कमी ये भी जानेंगे हम। तो चलिए, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के जरिए, आंसर बी है यहाँ पे, नोट कर लीजिएगा। तो ये है इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन, हाल ही में इन्होंने एक सर्वे किया था जिसके द्वारा जारी किया इन्होंने रिपोर्ट, उसमें बताया है कि 2018 में चौथी तिमाही में दुनिया भर में, सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, दुनिया भर में स्मार्टफोन लगभग 5% का शिपमेंट जो है कम होने पे स्मार्टफोन की बिक्री भी 5% गिर गई है। तो ये कमी आई है, क्यों, क्योंकि स्मार्टफोन दुनिया भर में इसका शिपमेंट जो हुआ है वो बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो शिपमेंट में लगातार पांचवी तिमाही में कमी आई, चौथी तिमाही और पांचवी तिमाही, इन दोनों ही जो सेशन है इनमें कमी आई है 5-5% की, इसलिए 2018 में कम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मोबाइल, या बिक्री कम हुई है कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कि अमेरिका के किस शहर में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को मजबूत प्रदान करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर शॉप दिया है। तो इन विच US सिटी बोइंग हैज़ हैंडेड ओवर द चिनूक हेलीकॉप्टर टू स्ट्रेंथ द IAF। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आंसर करना चाहता हूँ यहाँ पे इसका। चलिए आंसर है सी, इट्स अ फिलाडेल्फिया, ओके। नोट कर लीजिएगा, फिलाडेल्फिया अमेरिका देश के फिलाडेल्फिया शहर में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को मजबूती प्रदान करने के लिए एक चिनूक हेलीकॉप्टर का यहाँ से शॉप दिया है। उसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर समझौता हुआ था, और इस अवसर पे DGAO ने एयर मार्शल ए देव, जो कि हैं DGAO एयर मार्शल हैं ए देव के सहित एयरफोर्स के कई अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए थे, जो कि फिलाडेल्फिया में इसे भारत को ही सौंपा गया है। कौन सा, तो चिनूक हेलीकॉप्टर, ओके। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लोकपाल का नाम सुझाने के लिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न देख लीजिएगा, सुझाना यानी कि सजेस्ट करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू सजेस्ट द नेम ऑफ द लोकपाल, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 8 मेंबर कमिटी हैज बीन ऑर्गेनाइज अंडर हुज चेयर, मतलब किसके जरिए, है ना, किसके बैठक में आयोजित किया गया है इस सदस्य समिति को। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, रंजन प्रकाश देसाई या फिर दीपक मिश्रा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को आंसर पता है और कितने लोग करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, रंजना प्रकाश
देसाई, नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में लोकपाल का नाम सुझाने यानी कि उसकी जो सजेस्ट करने की है 8 सदस्यीय समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और जिसमें लोकपाल के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्तियों पर चर्चा भी की गई है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द February 4th वर्ल्ड वाइड, ये दुनिया भर में 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और देखिए दिवस से प्रश्न जरूर पूछेंगे, ही पूछेंगे आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कल यानी कि 4 तारीख को हर पूरे दुनिया में मनाया गया है इस दिवस को, तो वो है वर्ल्ड कैंसर डे। जी हाँ दोस्तों, कैंसर डे को मनाया जाता है 4 फरवरी को, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में इसे कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन यानी कि इस दिवस का उद्देश्य है कि कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना और कैंसर से विश्व भर में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटरसाइकिल हैज बिकम द इंडियन मोटरसाइकिल टू गो ऑन द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से कौन से मोटरसाइकिल अंटार्कटिका में जमे हुए महाद्वीप पर जाने वाली पहली भारतीय मोटरसाइकिल बन गई है, हीरो होंडा या माफ कीजिएगा हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिव या बजाज डोमिनार या फिर बजाज पल्सर। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तो। देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको, इट्स अ सी बजाज डोमिनार। जी हाँ, हाल ही में तीनों सवारों में दीपक कामत, अविनाश पीएस और दीपक गुप्ता, ये तीन जो है चालक हैं मतलब जो बाइक सवार हैं, ये तीन हैं, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये इनका नाम भी पूछ सकता है एग्जाम में। दीपक कामत, अविनाश पीएस और दीपक गुप्ता ने बजाज डोमिनार मोटरसाइकिल से 51,000 किलोमीटर की अंटार्कटिका के जमे हुए महाद्वीप पर सवारी की है और जिसमें कि बजाज डोमिनार अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल चालक भी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर नोट कर लीजिएगा, बजाज डोमिनार। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट से है, इंटरेस्टिंग भी होगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के 5 सदस्यीय दल ने हाल ही में किस राज्य क्रिकेट संघ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर का निरीक्षण किया है। तो देखिए यहाँ पर तो आंसर खुद ही लिखा हुआ है, JSCA यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। ओके, इसके साथ ये जो झारखंड के साथ अभी हाल ही में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई के 5 सदस्यीय दल ने रांची के झारखंड राज्य संघ यानी कि JSCA के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर का निरीक्षण किया और इस स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया को 8 मार्च को एक वनडे मैच खेला जाएगा। तो 8 मार्च को ये वनडे मैच खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ओके, चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा आज का कि न्यूजीलैंड को 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से हराकर किस क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज जीत ली है। तो ये जाहिर सी बात है कि भारत देश है और इसको ये तो करंट है, ये तो हर कोई अभी क्रिकेट देख ही रहा होगा। तो न्यूजीलैंड को इन्होंने 4-1 से हरा दिया है इस वनडे में और ये है इंडियन क्रिकेट टीम। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड को क्रिकेट के 5वें वनडे में 35 रन से हराकर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से जीत लिया है इस सीरीज को और आखिरी वनडे में 90 रन बनाने वाले अंबाती रायडू को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो दोस्तों आज हमारे साथ यहाँ बने रहें उसका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर मिल सके। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।